बिस्मिल्ला वरहि वरक एंड वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट एंड एज यू नो कि हम हॉट इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं कॉमन इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं और जो इशू हमने पिक किया जिसपे मैंने पास्ट में बहुत स्टीम गेस्ट के साथ एक शो भी किया एक, एक एपिसोड की साहिल अदीम के साथ और आपा रज़िया मदनी हुज़ अ वेरी सीनियर स्कॉलर इन लाहौर और दैट टॉपिक वाज यू नो वुमेन राइट्स इन पाकिस्तान एंड द वेव ऑफ़ फेमिनिज्म तो बहुत से कमेंट्स नीचे आए उस वीडियो के नीचे उस एपिसोड में बहुत सी you know, some, uh, esteemed, uh, well, से कमेंट्स आए कि यू नो आई शुड बी कॉलिंग सम एस्टीम्ड अदर वुमेन एज वेल जिनसे मैं मजदीद पाकिस्तान में जो वुमेन के इशूज़ हैं uh, उन पर बात करूँ उनका परस्पेक्टिव लूँ सो अलमदुल्ल आई थाट ऑन इट के ये जो कि वुमेन के इशूज़ हैं वो वुमेन से ही पूछने चाहिए ये भी एक शिकायत होती है बहुत से लोग को कि आप मेल्स डिस्कस करते हैं जबकि आप अंडरस्टैंड ही नहीं करते आप उनका परस्पेक्टिव ही नहीं समझते फीमेल्स का तो अलहदुल्लह इन टोडे शो आई हैव वेरी एस्टीम टू गेस विद मी माशा आई हैव विद मी सिस्टर सारा चौधरी एंड मोस्ट ऑफ यू नो हर माशा इनफैक्ट ऑल ऑफ यू नो हर Uh, she She's a former actress and then she has a very inspirational story. Allah subhanahu wa brought her to light and she takes pride in it, mashallah. And currently, she's, the, um, she's a motivational speaker, counselor, trainer at Youth Club. Uh, along with it, she's also the CEO of Online Quran Academy by Sara Chaudhry. Uh, this is her personal project. So, barakallah and mashallah and uh, with me is the regional head of uh, punjab uh, youth club female wing iman anwar and uh, mashallah uh, she is also you know conducting halakas for uh, the female females in lahore and she interacts regularly with the females with the young females so mashallah i have both guests who have a broad perspective about women issues uh, about you know ajkal jo hamari bachiyan hai. जो हमारी बहनें हैं हु आर यू नो स्पेंडिंग लाइफ इन दीज टाइम्स ऑफ फितना जस्ट लाइक यू नो टीन एजर्स के लिए बहुत सा फतना है तो ऑबियसली uh, हमारी जो बहनें हैं उनके लिए भी बहुत साफ इतना है सो दे टेक काउंसलिंग केसेज दे कंडक्ट रेगुलर हलका सो दे इंटरेक्ट विद द यंग फीमेल्स आर लॉड सो आई एम रियली हैप्पी टू हैव दैम ऑन माई शो एंड आई वल भी आस्किंग दैम क्वेश्चन सो फर्स्टली जजाक खैर फॉर जॉइनिंग इन असलम टू बोथ ऑफ यू वरकम सो लेट मी गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट चूँकि हम बात कर रहे हैं वुमेन uh, के इश्यूज के ऊपर और uh, बहुत सी शिकायतें आती हैं कि यार आप लोग जो रिलीजस लोग हो ना वो वुमेन के इश्यूज समझते ही नहीं ना वो समझना चाहते हैं वो एक ही बात बार बार करते हैं कि इस्लाम ने बहुत राइट्स दिए हैं वुमेन को इस्लाम ने बहुत राइट्स दी हैं लेकिन देखने में कुछ भी नहीं आते वो राइट्स कहाँ मिल रहे हैं हमारी खातन को फिर ज़ाहिर है एक ये भी शिकायत आती है कि चूंकि आप लोग उस बैकग्राउंड से नहीं है आपने वो लाइफ देखी नहीं आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि इस वक्त आ, क्या प्रेशर है हमारी यंग गर्ल्स के ऊपर अगर मैं देखूं और कोट करूं फ्रॉम द बैकग्राउंड कि देखिए कि अगर हम पास्ट में देखें तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन को अगर हम देखें पास्ट में तो वहाँ पर वुमेन को ईवल कन्सिडर किया जाता था डेवल कन्सिडर किया जाता था इनफैक्ट और रोमन सिविलाइजेशन में एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता था सोर्स ऑफ प्लेजर कंसीडर किया जाता था इनफैक्ट वो खुद ही अब अपनी मूवीज़ में वो चीज़ दिखाते हैं कि रोमन सिविलाइजेशन में ऐसे वुमेन को ट्रीट किया जाता था फिर इंडियन सिविलाइजेशन में हम देखें तो औरत के क्या राइट्स थे वो हमारे सामने हैं सत्ती की जो रस्म थी कि उसका खामत फ़ौत होता था उसे भी साथ में जला दिया जाता था और अरब कल्चर में जो uh, औरत की वो औरत का जो था जाहिर है एक स्टेटस uh, था वो ये था कि उसे ज़िंदा दफनाया जाता था तो वो सब हमारे सामने एंड दैन अला अस विद इस्लाम अल्लाह यू नो सेंट रहमिलामीन जिन्होंने औरतों का स्टेटस बुलंद किया औरतों को डिग्निटी दी वो स्टेटस दिया बट दैन अगेन वेर इज़ दैट डिग्टी वेर इज़ दैट स्टेटस हमारे माशरे में uh, हमारी जो सोच है ख़वान के हवाले से ये सारी तमहीद मैं इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि ये शिकायतें हैं हमारे एजुकेटेड तबके की कि आप बहुत बात करते हैं कि इस्लाम ने बड़ा स्टेटस दिया है लेकिन वो स्टेटस कहाँ है तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन कि अगर हम आज के दौर को देखें तो इतना फितना है और इतना प्रेशर है हमारी यंग गर्ल्स पे हमारी सिस्टर्स पे फ्रॉम एवरीवेयर मीडिया है कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री है यू you नो know, फिर ब्रांड्स हैं uh, फिर पीयर प्रेशर कितना ज़्यादा एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट वुमेन एवरी यू नो मूवीज़ आर शोइंग दैम टी सीरीज़ आर शोइंग दैम एंड यू नो समर्टन स्टैंडर्ड्स हैिगार्ड्स टू हाउ वुमेन शुड एक्ट हाउ वमेन शुड बिहेव तो इस हवाले से आ, हमारी जो सिस्टर्स हैं जो इस वक्त काफ़ी प्रेशर फील करती हैं कि वट इज़ द राइट वे एंड हाओ शी शुड कैरी हर सेल्फ फारवर्ड सेल्फ इस्टीम के, right के इशूज़ भी आते हैं ओबियसली और आइडेंटिटी क्राइसिस के इशूज़ भी आते हैं कि मैं हूँ कौन और मैं किस तरफ जाऊँ तो इस हवाले से मेरा पहला सवाल है कि हाउ शुड अ गर्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी मुस्लिम गर्ल हाउ शुड शी कैरी हर सेल्फ तो मेरे ख्याल आपसे शुरू करते हैं कि हाउ शुड अ गर्न टवेंटी फर्स्ट सेंचुरी कैरी हर सेल्फ आई थिंक इसमें सबसे पहले uh, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हर इंसान जब पैदा होता है तो वो फितरत पे पैदा होता है और फितरत है दीन दीन हक अब ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस और इस तरह की जितनी भी टर्म्स हैं वो आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा रेलिवेंट क्यों हो गई हैं या इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट क्यों हो गई हैं बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड एंड इन टूडेज़ वर्ल्ड इन टेज सिविलाइजेशन जिसमें हम रह रहे हैं जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं हमारे अराउंड इज़ अ मैसिव इंफ्लूंस ऑफ सोशल मीडिया एंड हमारी यंग बच्चियाँ हमारी जो फीमेल्स घरों में हैं जॉब प्लेसिस पे हैं देव इमेंस प्रेशर टू बी इन द लीग दे वॉन्ट टू बी इन अ सर्टन लीग ताकि वो लेफ्ट आउट फील ना करें इन दैट रेस वो अपनी आइडेंटिटी को पीछे करके वो उन चीजों को उन ट्रेंड्स को उन आ, आ, ऐसी चीजों को फॉलो करना शुरू कर देती हैं विच एक्चुअली इज नॉट देयर आइडेंटिटी बींग अ मुस्लिम इंडिविजुअल अब यहाँ पे एक और चीज़ भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सोशल मीडिया की जो वेव है और ये इतनी इन्फ्लुएंस क्यों करने लग गई है अब इट्स बिकॉज द इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम वेस्ट वहाँ पे एक लिबरलाइजेशन की एक पूरी वेव चली है और उसमें जितना भी इसको डिस्कस किया जाए उसका जो क्रक्स है वो यही है कि द लेस क्लोज यू वेयर मोर फ्रीडम यू हैव मोर जिसे कहते हैं आप, आपकी जो जुबान है वो आपके कंट्रोल से बाहर है जितनी आप ज़्यादा प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव होकर बात करेंगी उतना ही ज़्यादा आपके पास फ्रीडम है इसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का नाम दिया जा रहा है बट डीप इंड साइड अगर हम देखें तो हाउ इट हैज इफेक्टेड कि एक वर्णन को okay. एक खातून को एक ऑब्जेक्ट बना के पेश किया जा रहा है इन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ऑयल एड गाड़ी के ऑयल की एड कुकिंग ऑयल की एड हर कमर्शियल से लेके हर इंडस्ट्री में आज फीमेल्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है एंड हमारी बच्चियों को ये शायद नज़र नहीं आता कि हमारा वर्ल्ड व्यू जहाँ से हम ले रहे हैं वो एक्चुअली बींग व वुमेन के एसेंस को ही डैमेज कर चुके हैं hmm. हम अपनी आइडेंटिटी को बहुत पीछे रख चुके हैं और अब हम इस चीज़ को फॉलो करें जो कि हमें बॉलीवुड या वेस्ट प्रोवाइड कर रहा है सो आई थिंक ये बहुत uh, एक अंडरस्टैंडेबल चीज है इफ़ समी वांस टू अंडरस्टैंड दिस एंड इफ समी डिग्ज इन टू इट एंड आई थिंक दट चॉइस जल्स डाउन टू ओनली टू थिंग्स दैट देर इज दिस वन थिंगल दस ग्लेटर ऑफ द थेरी जो कि आज कल हमारे सामने हैं एंड गोल्ड ऑफ द चूथ बिल्कुल ठीक जो कि हमारा दीन है सो इट्स फॉर अस टू चूज बिटवीन दीज टू थिंग्स के हमने ग्लिटर जो हमारे सामने ग्लैमराइज करके आजकल कर की को आजकल के ट्रेंड्स को आजकल आज कल की फैमिलिज्मी इनको जो हमारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है आई हैव टू टेक इट और नॉट सो इवेंचुअली इस सारी चीज का रिजल्ट तो आइडेंटिटी क्राइसिस ही होगा बिकॉज यू हैव डिविएटेड फ्रॉम योर नेचर योर फित्रा दैट इज योर दीन एंड यू हैव डिविएटेड फ्रॉम द दैट कमैंड

और दिस इज़ अ वेरी ब्लेसड इंस्टीट्यूट दिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज इससे नस्ल आगे बढ़ती है इससे जो है वो नेशंस को मैन uh, पावर मिलती है और अगर वो मैन पावर बहुत ज़्यादा uh, अच्छी है वैल्यूज़ वाली है मैन ऑफ कैरेक्टर हैं तो फिर जाहिर है कि नेशन का सक्सेस उसी पे डिपेंड कर रहा होता है तो मैरिज के हवाले से अगर मैं देखूँ तो हमारी सोसाइटी में तीन इस वक्त माइंड पाए जा रहे हैं विद रिगार्ड्स टू वुमेन एक जो है वो माइंडसेट ये है कि मैरिज uh, करके क्या करना है यू नो मैरिज करके uh, ज्यादा ज्यादा क्या है मैन पे डिपेंडेंट हो जाओगे आप बच्चे पैदा करने पड़ेंगे तो क्या जरूरत है मैरिज करने की और मैन पे डिपेंडेंट होने की हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल है तो वाई शुड बी गेट मैरिड इन द फर्स्ट प्लेस इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि गैलप uh, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वेस करती है उन्होंने 2012 सर्वे कोट कर रहा हूं बहुत पुराना सर्वे यूके में गैलप ने 2012 में एक सर्वे किया जिसमें दे फाउंड आउट कि वांट टू गेट मैरिड एंड दे टू गेट मैरिड और जापान में भी एक सर्वे हुआ उसके मुताबिक ये रेशियो उससे भी ज्यादा है और जाहिर है कि जब बच्चे होंगे तो वो भी एक ऑब्स्टिकल होंगे हमारी ग्रोथ में हमारे कैरियर में तो ये भी एक माइंडसेट पाया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली ये ग्रो भी कर रहा है ये माइंडसेट कि शादी करने की जरूरत ही क्या है अगर आपने बच्चों से इतनी प्यार है तो आप अडोप्शन कर लें मैन पे मेल पे इतना डिपेंडेंट होने की क्या जरूरत है और फिर दूसरा एक माइंड पाया जाता है कि चलो अगर शादी करनी भी है तो वो शादी फिर मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पे होगी दिस इज वट दिस माइंड सेट सेज कि फिर मेल की टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होंगी वो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेरी होंगी तो ये दो जो माइंड पाए जा रही मैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हाउ टू टैकल सच माइंड सेट और क्या ये माइंड सेट ठीक है और अगर ये माइंड सेट ग्रो कर रहा है उसकी क्या वजह ये मेरा आपसे बेसिकली क्वेश्चन आई थिंक बिफोर डिगिंग इन टू दिंग इसको पहले देखना है जरूरी है कि ये चीज actually. So in essence, sense, uh, what I've uh, gained after studying this whole subject is that it's not about battle of dependency, it's more about mm -hmm. the concept of completion.: Achcha. As in A psychological perspective men are different and mm -hmm. women are different. Mm -hmm. They mm -hmm. are equal in Islam mm -hmm. with regards to right, mm -hmm. but they're not identical it's important to understand that they are biologically different, they're psychologically different, they are physically different, they have different needs and wants, they have different expressions. Mm. and a quick example, though, just to uh, make it more simple and clear, women, when they are under stress, they mm. tend to talk. Right. and mostly, अगर एक खातून कह रही है ना कि मुझे आपसे हमेशा ये मसला है इसका मतलब है मुझे आपसे अभी ये मसला है hmm. लेकिन इफ द मेल से इज द सेम थिंग कि मुझे आपसे हमेशा मसला है इट एक्चुअली मीन्स कि हमेशा ही मसला यानी लैंग्वेज में बड़ा एग्जैक्टली मसलाज एक्टलीज होल लॉट ऑफ अ डिफरेंस इन लैंग्वेज एज वेल एंड एट द सेम टाइम इसमें एक एनालॉजी आती है कि मैन आर लाइक अ रबर बैंड एंड वेमेन आर लाइक अ वेव दे आर डीप डी यू डिग एंड यू गो मोर डीपर मोर डीपर मोर डीपर एंड इज नो एंड Hmm. And men are like a rubber band. You stretch it, they do stretch. Stretch, so. stretch, stretch, and there comes a point where it breaks. Hmm. Right? And there, there's an explosion. So. so there are many, many basic differences. I have given two examples just to make it clear. So, so it's not about dependency, hmm. it's about one person.

तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे करनी है तो यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि जैसे वी फीमेल्स डोंट वॉन्ट एनी बडी टू डिक्टेट अस डैट वॉट वी डू और हम क्या करें हम कैसे करें तो हम एक दूसरे इंसान के ऊपर कैसे अपनी सोच और हर चीज़ को इम्पोज कर सकते हैं सो इट्स इट्स एज सिंपल एज दैट राइट यू Do what you want for yourself. You Say. do it, right? Say. And third thing, which was that career. So I think this is something so special. This is not the the essence of this uh, thing is not ordinary. And that is, it's not about the hurdle. Hmm. It's not the concept of hurdle again. It's the concept of the forbearance, Say. the capacity to. Bring a new generation and make them a change maker. Sorry it's that blessing of allah subhanahu wa ta'ala ta to build a generation hmm. and you bring a whole new human being in this world and hmm. with the will of allah and with the help of allah you can make that human being a change maker. Right. you have that capacity. so i think it's so special and it is hmm. not something ordinary. so i think it's concept, this angle, se liya to. it makes it really, really special. i believe. Really. Yani बड़ी जिम्मेदारी और आपके लिए इतना बड़ा टास्क है कि तो आप है, एक, एक जनरेशन क्रिएट करें तो बच्चे कहाँ से हर्डल हो गए आपके लिए करियर में इस्लाम करियर मनाने से मना नहीं करता लेकिन जाहिर है नॉट ऑन दी एक्सपेंस ऑफ फैमिली लाइफ फैमिली कम्स फर्स्ट बिकॉज उन लोग ने आगे जाके सोसाइटी चलानी ये इट एक बहुत बड़ा टास्क है तो जजाकल्लाह खैर और यहाँ मैं इस हवाले से ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि इस चीज से तो हम कोई भी इनकार नहीं कर सकता ना कि हमें और इस दुनिया को बींग अ मुस्लिम तो हम सबका ये जो है अकीदा है कि पैदा तो हमें अल्लाह सुबहाना ने नहीं किया है ना सही। तो ये शादी का कॉन्सेप्ट ये बच्चों का कॉन्सेप्ट ये फैमिली का कॉन्सेप्ट ये भी अल्लाह सुबहाना ताली ने ही हमें जी, दिया है जी। तो अगर इसको हम इस तरीके से देखें कि अला सुबहाना इज़ द प्रोग्रामर फर प्रोग्राम तो जो प्रोग्राम उसको जिस तरह से उन्होंने डिजाइन किया है अगर हम उसके उसको उस तरह से लेकर नहीं चलेंगे तो वो खराब ही होगा आई रिमेम्बर रिसेंटली बेसिकली मेड टू सपोर्ट द एल जी टी वी और उन्होंने उसमें जो है ना उस चीज को उन्होंने जो है वो करने की हाईलाइट कोशिश की थी कि उन्होंने कहा एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की कि uh, जो लड़के का फादर था ही वॉज एक्सपेरिमेंटेड कैबेज और वो ब्लैक कैबेज बनाने की कोशिश कर रहे थे और उसका एंड पे उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश कोशिश की उसको उस चीज़ से रिलेट कर, कर, करते हुए कि क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था कैबेज के साथ किसी और चीज़ के साथ तो उसमें कीड़े लग गए वो ख़राब हो गया हुँ, हुँ, तो मुझे मैंने इसको ये सोचा कि, कि इस चीज़ को इस तरह क्यों नहीं लेते कि जब अल्लाह सुबहाना तौर ने भी तो एक चीज़ एक प्रोग्राम की है ना जब हम उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो एट एंड यही रिजल्ट आएंगे कि वो चीज़ ख़राब हो जाएगी उसको कीड़े लग जाएंगे अब हम कितना भी इस चीज को जो है ना हम कहते हैं ना कि वो हम आंखें बंद करके बस सोचते कि नहीं क्योंकि हमें जो दिखाया जा रहा है वही है हमें उसी को फॉलो करना है जिस तरह हमने शुरू में भी ट्रेंड्स की बात जी, की जी. तो मीडिया के थ्रू अगर हम देखें तो ये चीज भी एक ट्रेंड के साथ ही चलती आ रही है शुरू में जो है वो पहले लव मैरिजेस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाने लगा कि इश्क मोहब्बत एक इंसान का इतना हो जाना कि आप उसमें अंधे हो गए और आप घर वालों को सबको भूल गए लेकिन उसका मेन फोकस उस वक्त यही दिखाया जाने लगा कि जी शादी कर लेनी है आपने अल्टीमेटली और बच्चे होने चाहिए फिर होते होते इस वक्त जिस चीज की तरफ डायरेक्शन बहुत ज्यादा ज्यादा लेके जाई जा रही है वो यही है लिव इन रिलेशनशिप और बस जब तक दिल चाह रहे साथ रहे उसके बाद इट इज नॉट नेसेसरी कि आप शादी करें और आप बच्चे भी करें और अगर बच्चा हो भी जाए तो नॉट नेसेसरी कि फादर साथ ही रहे बल्कि आप क्या करें कि फादर लेस सोसाइटी एक चलती रहे और आप फादर के बगैर एक सिंगल मॉम बन करें लेकिन बींग अ वुमेन मैंने क्योंकि uh, आई एम थर्टी थ्री ईयर्स नाउ इन थर्टी थ्री ईयर्स में मुझे लगता है कि अल्लाह सुबह ने मुझे अपॉर्चुनिटी देखी कि मैं, दी है कि मैंने ना बहुत कुछ देखा है इस हवाले से कि मैंने अपनी फैमिली में औरतों को देखा उनकी लाइफ को देखा फिर मैं शोबिस में गई वहाँ में मैंने ऑलमोस्ट जिससे हम कह सकते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर देखा यही लिविन रिलेशनशिप्स वाला या इस तरह की एक मैंटेलिटी देखी उसके एंड रिजल्ट्स भी देखे फिर मैं दीन की तरफ आई मेरिड विद किड्स नाउ लिविंग अ लाइफ प्रैक्टिसिंग इस्लाम और एक मैंने ये वाला रुख भी देखा किताब का hmm. तो अब आई मुझे ये अंदाजा होता है कि मैंने uh, जॉब भी कर ली मैंने काम भी कर लिया मैंने करियर भी बना लिया मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन अल्टीमेटली जो मुझे चीज समझ आई वो यही है कि अल्टीमेटली आपका सुकून इन्हीं चीजों में है कि एक वो घर होना आपका हस्बैंड होना आपके बच्चे होना दिस इज अल्टीमेटली गोल्ड एंड अल्टीमेटली पीस आपको करियर बनाने से यू सेड सेट कोई मना नहीं कर रहा है आप करियर बनाइए आप अपनी अभी

चाहे वो वेस्ट से है चाहे वो पाकिस्तान से है चाहे वो इंडिया से है मैं यही चीज ऑब्जर्व करी होती हूँ कि कहीं के भी आप सेलिब्रिटीज उठा लें सेलिब्रिटीज़ की मिसाल देना इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि दोज आर द पीपल जिनको हम शायद बहुत कामयाब कंसिडर करते हैं mm -hmm. कि मेरे ख्याल से हमें लगता है कि इससे ज्यादा कामयाबी किसी को मिल नहीं सकती कि अगर वो सुपर स्टार बन गया है इंटरनेशनल स्टार बन गया है तो उनमें भी अगर आप ऑब्जर्व करें ना पीसफुल लोग आपको वही मिलेंगे जो मैरिड हैं जिनकी फैमिली है और जिनके बच्चे हैं दे आर सेटल्ड बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बहुत अच्छी आपने बात की कि दिस इज वट वी आर मॉडल्ड फॉर और इसी में पीस है ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है अगर हमें समझ आ जाए अच्छा एक और थर्ड माइंडसेट भी है विद रिगार्ड्स टू मैरिज आजकल जो बहुत कॉमन होता जा रहा है स्पेशली हमारी जो यंग बच्चियां हैं सिस्टर्स हैं उनके माइंड्स में बहुत इन आ चुकी हैं बहुत फियर्स आ चुके हैं अप्रीहेंशन आ चुकी हैं मैरिज के हवाले से क्योंकि मीडिया इतनी नेगेटिव स्टोरीज दिखा रहा है कि मेल्स ऐसे होते हैं जुल्म करने वाले होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस होता है पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ की कोई नहीं है शादी के बाद जिंदगी ख़त्म हो जाती है तो हाउ टू काउंटर यू नो दीज एप्रीहेंशन उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन यंग गर्ल्स को हु वॉन्ट टू गेट मैरिड बट सम हाउ दे आर वेरी अफ्रेड टू लिसन ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर सबसे पहले ना मैं एक तो एडवाइस देना चाहूँगी घर की उन खुतिन को जो मैरिड होती हैं और जब उनको मौका मिलता है उनके हस्बैंड के साथ कोई मसले मसाइल या उनकी मेरिड लाइफ में कोई भी इश्यूज आते हैं ना तो वो अक्सर औकात जाकर ना अपनी छोटी बहनों से या जो मदर्स हैं वो अपनी बेटियों के साथ या फिर अपनी अनमेरिड फ्रेंड्स के साथ जो है ना वो ने, नेगेटिव एस्पेक्ट्स शेयर करते हैं हुँ, तो मुझे ऐसे लोगों को सबसे पहले तो ये ज़रूर एडवाइस करनी कि अगर आप फिर जब अपने हस्बैंड की सारी बुराइयाँ जहाँ शेयर कर रहे हो ना तो फिर जब वो आपसे सुलह

<laughs> आप उनको बाकी डिटेल्स भी ना फिर कैसे मसला हल हुआ था क्या उन्होंने सॉरी कहा उस अपनी गलती को रियलाइज़ किया या नहीं किया तो एक चीज़ तो ये हो गई कि ये हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कमिंग टूवर्ड्स के आ, देखना आसपास के लोगों में कि जी है शादी के बाद लोगों के साथ मसले मसाइल हो रहे हैं या प्रॉब्लम हो रहे हैं तो देखिए बीइंग अ मुस्लिम कुरान हमने पढ़ा है तो हमें इस चीज़ पर बाकी तमाम चीज़ों के साथ भी आ, जो है हमारा ईमान होना चाहिए कि आजमाइश इस ज़िंदगी का हिस्सा है हुँ, हुँ. और आजमाइश जो है वो अल्लाह ने कहीं भी नहीं कहा कि सिर्फ शादी के बाद ही तुम्हें आजमाया जाएगा या हुँ. शादी से ही आजमाया जाएगा या शौहर की सूरत में ही आजमाया जाएगा या बीवी की सूरत में आजमाइश आपकी कहीं भी आ सकती है अगर हम ये कह रहे हैं कि शादी के बाद आपको सफ़र करना पड़ता है सफ़र तो लोगों को जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में भी करना पड़ रहा है बिल्कुल लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं इसलिए कि इतना प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर उनके पेरेंट्स की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से तो फिर हम सोसाइटी में भी ना रहें हम सोसाइटी का भी फिर पार्ट ना बने इसी तरह से जो है और बहुत सी चीज़ें हैं कार्स में एक्सीडेंट हो जाते हैं फिर हम कार्स को भी छोड़ने के लिए लोगों के कार्स में जो है वो एक्सीडेंट्स होते हैं हमें कार में नहीं बैठना चाहिए पैदल सफ़र करना चाहिए तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इसको सिर्फ हम शादी से रिलेट नहीं कर सकते कि शादी इज़ द ओनली थिंग कि अगर हम शादी करेंगे तभी हमारी ज़िंदगी में मसले मसाइल आने हो hmm. सकता है आप शादी ना करें आप अकेले रहें लेकिन जिस तरह से आजकल इन चीज़ों को जो है प्रमोट भी बहुत किया जा रहा है कि जी इट्स ओके टू है मल्टीपल रिलेशनशिप्स शादी ना करें लेकिन वन टू अनदर टू अनदर टू नेक्स्ट पर्सन उससे आप ये देखें कि आपको इमोशनली आप कितना इफेक्ट हो रहे होते हैं और उसका एंड रिजल्ट यह हो सकता है कि आप डिप्रेशन में जो है आपका एंड हो जाए आप ड्रग्स में चले जाएं या आप किसी और चीज़ में चले जाएं तो इसलिए इस सोच को बदलने की जरूरत है हुँ, अगर हुँ, आपके हुँ, लिए कोई आजमाइश लिखी हुई है वो किसी भी सूरत में आ जाएगी हो सकता है आपकी हो सकता है आपकी शादी तो हो जाए और शादी आपकी बहुत अच्छी चल रही हो हस्बैंड भी अच्छे मिल जाए आपको आपको सास भी अच्छी मिल जाए आपकी औलाद नहीं हो रही है आप में कोई मसला निकल है तो अब हम क्या इस चीज़ को भी इशू बना लेंगे कि जी शादी के बाद औलाद नहीं होती लोगों की इसलिए शादी ना करें तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि शादी को हम इस चीज़ से बस रिलेट कर दें और यही सोचते रहें कि जो है ना मैरिड लाइफ जो है वो इंसान को नुकसान ही पहुंचाएगी या शादी करना इंसान के लिए नुकसानदेह है वी नीड टू चेंज दैट ये हमें जहन में रखना चाहिए कि आजमाइश है अल्ला की तरफ से आजमाइश हर सूरत में आनी है चाहे वो शादी की सूरत में आती है वो किसी भी सूरत में आती है उसके लिए हमें बस अपने आप को प्रिपेयर करना है विद नॉलेज कि हमें जो है वो सबर किस तरह करना है या हमारे राइट्स क्या है जिस तरह आज हम राइट्स की भी बहुत ज्यादा हम बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपने अपने पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि शादी के बाद मेरे रॉइट्स क्या है और मेरे हस्बैंड के राइट्स क्या है ठीक है इन दोनों के बारे में आप नॉलेज रखिए फिर इन चीजों को इन सिचुएशन को फेस कीजिए इनशाला गट थ्रू इट बहुत ही एम्पावरिंग कॉन्सेप्ट आपने बताया कि चूंकि हम मुसलमान हैं हमारे पास तो तकदीर का कॉन्सेप्ट है हमारे पास अल्लाह ताला के वो एट्रीब्यूट्स का नॉलेज है कि अल्लाह ताला हर चीज़ को चला रहा है और अल्लाह ताला हमारे साथ क्यों कोई कुछ बुरा लिखेगा पहली तो बात यह कि अल्लाह ताला से उसने जन रखना और फिर अगर कोई आजमाइश आ जाती है तो उसको अल्लाह ताला की तरफ से एक टेस्ट ट्रायल समझना और उससे उसको चैलेंज समझ के उसको जो है सरपास करना और हर आजमाइश का अगर हमें को उसमें तकलीफ होती है तो उसका रिवॉर्ड भी है हमारे लिए तो दिस इज़ अ वेरी एम्पावरिंग कॉन्सेप्ट जरा के लौ है एक और बहुत बड़ा इशू आजकल चल रहा है चूंकि हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली हमारी जो आज की जो वुमेन फोक हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं तो देखा यह है कि बल्कि ये सिर्फ वुमेन में नहीं है ये मेल्स में भी है कि ये सोच पैदा हो रही है कि यार एक इंसान के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी सारी जिंदगी मैं एक इंसान के साथ रहूँगा या रहूँगी तो पीपल आर अफ्रेड टू बी कमिटेड यू नो और देन uh, अगेन इसका एक रिजल्ट यह आ रहा है कि वी आर सी नो प्लूटोनिक रिलेशनशिप्स बिटवीन मैन एंड वुमेन सच इंटीमेट रिलेशनशिप्स जो कि कमिटमेंट की तरफ नहीं है लेकिन बस यू नो दीज आर जस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप जैसे अगर हम यूनिवर्सिटीज़ का कल्चर देखें तो हाई फाइव बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है फिर हैंडशेक बहुत ज़्यादा किया जा रहा है फिर वो एक तमीज़ जो नज़र आती थी ना किसी दौर में हमारे दौर में आ, मर्द और औरत में एक आ, थोड़ा सा वो होता था कॉन्शियसनेस होती थी औरत को पता था कि मैं औरत हूँ मर्द को पता था कि मैंने किस तरह से अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करना है वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि ख़त्म होती जा रही है और इंटीमेट रिलेशनशिप विदाउट मैरिज को नॉर्मलाइज किया जा रहा है नॉर्मल समझा जा रहा है पीपल आर मैरिड येट इन अफेयर्स एंड ऑल दीज थिंग्स तो इसकी क्या वजह है और इस चीज़ से किस तरह से जो है वो बचना चाहिए आई थिंक वजह और इसके जो काज़ एंड इफेक्ट्स हैं वो सारे uh, सारे ने बहुत अच्छे कवर कर दिए मैं सिर्फ इसमें एक एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी कि नंबर वन इसके सीरा अगर हम देखें तो उसके अंदर uh, एक चीज़ हमें मिलती है कि जो पूरा यूनिवर्स है ना ये कॉज एंड इफ़ेक्ट के प्रिंसिपल पर डिज़ाइन हुआ हुआ है देर इज़ अ कॉज एंड देर इज़ एन इफ़ेक्ट आज अगर आप ये कहती हैं या कहते हैं कि हम एक इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी कमिटेड कैसे रह सकते हैं तो रिमेंबर इफ़ यू आर इन सम डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप एक से जम्प किया दूसरे में आए तीसरे में आए चौथे में आए तो रिमेम्बर इट इज गोइंग टू हैपन विद यू एज वेल द पर्सन जिसके साथ आप रहेंी इज गोइंग टू डिसीव यू वन डे सो दिस इज अ होल साइकिल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इट इट इज नॉट वन साइडेड रोड इट्स अ टू साइडेड रोड सो अगैन इट्स फॉर अस टू डिसाइड राइट एंड right. इस चीज को कि ये चीज कॉमन क्यों हुई है और कैसे हो रही है इस पे सारा बहुत अच्छा कवर कर चुकी है अगेन hmm. uh, इसके अंदर एक और चीज़ जो आती है अल्लाह ताला ने हमें बनाया है yeah. हम लोगों को और अल्लाह ताला को हमारी फितरत भी पता है अल्लाह ताला को सब चीजें पता है कि दे देर इज समर्ट ऑफ अट्रैक्शन एंड सम सोर्ट ऑफ नेचुरल थिंग्स दैट डू एग्जिस्ट और दीन उस चीज को रिकगनाइज करता है hmm. दीन उस चीज का सोल्यूशन देता है विच इज मैरिज इफ़ यू सर पास दैट तो फिर अगेन सारा के ही होगा उसके अलावा रिजल्ट आपको कभी भी अच्छे नहीं मिलेंगे अगेन जब आप फितरा से हट जाएंगे सो इट ऑफ माइनस इसरा का एक वर्ड्स के जिना के करीब भी मत जाओ राइट बला तको जना के उसके करीब भी मत जाओ अब करीब ना जाने की क्या इंटरप्रिटेशन है कि फुटस्टेप्स भी उसके फॉलो ना किए जाए अब ये जितने भी प्लैटोनिक रिलेशनशिप्स हैं हराम रिलेशनशिप्स हैं जितनी भी चीजें हैं वो क्या है ये हैं ये फुटस्टेप्स हैं ये फुटस्टेप्स इवेंचुअली आपको कहाँ लेके जाएंगे वो इसी तरफ लेके जाएंगे एंड इट इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट वी डोंट नीड टू डिस्कस इवन डिस्कस दिस थिंग कि क्या एंड रिजल्ट्स होते हैं और and वो रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं काउंसलिंग exactly. केसेस कितने आते हैं और ऐसे भी केसेस आते हैं जी के दो लोग दोस्त होते हैं दे स्टार्ट विद फ्रेंडशिप बट वन ऑफ देम एंड्स अप डेवलपिंग फीलिंग फॉर द अदर लेकिन बाद में वो फिर ये कहते हैं जी कि अगले की तो फीलिंग ही नहीं है तो इट्स कि फीलिंग्स डेवलप ना हो फीलिंग्स या चले अगर ना भी डेवलप हो तो फिर भी देर आर मैनी चांसेस ऑफ स्लिपिंग एंड अल्लाह ताला का ये रूल है अल्लाह ताला हमारे क्रिएटर है अल्लाह ने किसी ज़ाहिर हमारी बेहतरी के लिए ये लॉज डिफाइन किए रूल्स डिफाइन किए हैं सारे के सारे बिल्कुल की लोग है। आ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि अभी आज के दौर में आ, पाकिस्तानी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का एक फॉल्ट यह है कि रिग्रेसिव थोड़ी सी सोसाइटी है आ, हमें यह सिखाया जाता है कि बर्दाश्त करो बहुत ज्यादा और चले एक हद तक बर्दाश्त करना भी चाहिए कॉम्प्रोमाइज से जिंदगी चलती है लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज की जब बात होती है ना तो इतना सीरियसली लिया जाता हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों को मजाक में बात उड़ा दी जाती है या उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता है इशू ही कंसिडर नहीं किया जाता तो फिर जाहिर है कि एक चीज़ आप दबाते रहते हैं दबाते रहते हैं सोचते रहते हैं और फिर एक दिन आता है आप एक्सप्लोर कर जाते हैं एंड अंडर डेवलपिंग सम यू नो मेंटल डिसऑर्डर तो आपकी क्या एडवाइस है मेंटल uh, हेल्थ uh, जो है वाकई ही ये बहुत जरूरी है और इस वक्त खास तौर पर जो है हमारे सामने इतने ज़्यादा केसेस आते हैं एंड हमें इस बारे में कुछ चीज़ें जो हैं उनको समझने की ज़रूरत है फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो भी हमारी लाइफ में चीज़ें चल रही हों जिस तरह हमने शुरू में भी डिस्कस uh, किया इस हवाले से कि खुत हर कोई वैसे तो इस वक्त इतने में स्ट्रेसेस में जा जा रहा है कुछ ना कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं लेकिन खुतन जो है वो बहुत सी ज़्यादा जो है इश्यूज की वजह से बहुत ज़्यादा मेंटली इफेक्ट हो रही होती हैं क्योंकि औरतें जो हैं हम सब अच्छे से समझते हैं कि वो थोड़ी सी ज़्यादा इमोशनल होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन तो उन पर सोसाइटी का भी एक अलग प्रेशर चल रहा होता है जिस तरह हमने कहा कि लुक्स से रिलेटेड एक अलग चल रहा होता है बाकी सब लोग क्या पहन रहे हैं क्या नहीं पहन रहे क्या ट्रेंड्स चल रहा है मैं उस ट्रेंड को फॉलो कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ उसके साथ साथ पर्सनल लाइफ को के अगर अगर अनमेरिड है तो स्टडीज फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी का घर वालों का पेरेंट्स का इन शॉर्ट मतलब कोई ना कोई इश्यूज आपको इतने आ रहे होते हैं कि इवेंचुअली आपकी मेंटल हेल्थ इज गेटिंग इफेक्टेड तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वही जो मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करती हूँ अगर रेपटेशन uh, आ रही हो तो उसके लिए मैं माजर चाहूंगी लेकिन अ स्टूडेंट ऑफ कुरान एंड बींग बीग अ पर्सन जिसने अपनी लाइफ के हर सोलूशन जो है वो अल्टीमेटली इसी चीज़ में ढूंढे हैं तो फर्स्ट थिंग मेरा फर्स्ट मैसेज और फर्स्ट सोलूशन हर चीज़ का ये तो ज़रूर होता है मस्ट होता है वो यही है कि आपको अला सुबह त के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रांग करने की बहुत ज़रूरत जिस तरह कुरान पाक में भी जिक्र

एंजाइटी में हो अगर आप बैठ कर अच्छे से सुकून के साथ अगर सुरल सुर फातहा की भी सिर्फ अच्छे से तिलावत कर लेना तो आपको एक रिलैक्स फीलिंग आती है भी आप भी एक सुकून आपको लगता है कोई बर्डन आपके ऊपर से उतरा है तो फर्स्ट चीज़ ये तो बहुत ज़रूरी है सेकेंडली यस uh, yes, हमें अपनी जात के हवाले से इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारी नेचर में हमारे एटीट्यूड में ज़रूरत से ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ रहा है डिप्रेशन कुछ हद से ज़्यादा ही अब होने लगा है जिससे हम बाहर नहीं आ सकते हैं या सुसाइडल थाट्स आ रही हैं या नेगेटिव थाट्स ज़्यादा हो गई हैं पॉजिटिव थाट्स आ ही नहीं पा रही हैं अगर ये तमाम मसले मसाइल हमारे से चल रहे हैं दैन वी वी शुड सी कम उंसलिंग hmm. या तो काउंसलिंग या फिर अगर हमें लगता है कि इफ वी नीड मेडिकेशन तो मेरे ख्याल से वी शुड बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कि औरत जो है ख़वातीन जो है उनके ऊपर इस हवाले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने अपना घर भी देखना है उन्होंने अपने बच्चे भी देखने हैं उन्होंने अपने आसपास के लोगों को भी देखना होता है तो अगर वो खुद ही आ, सही नहीं है आ, फ्रेश नहीं जीज़, है जीज़. अच्छे मूड में नहीं है प्लेजेंट मूड में नहीं है तो वो पूरा घर और वो जो सिस्टम है वो कभी भी अच्छे पॉजिटिव मूड में नहीं रह सकता है वो अच्छे से कभी ग्रो भी नहीं कर सकता है वो नेगेटिविटी हर तरफ फैलने लगेगी और सारा माहौल इफ़ेक्ट होगा तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले अपना ख्याल ज़रूर रखें अपनी मेंटल हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें और इन तमाम चीजों को अब तो सोशल मीडिया की वजह से हमें सब कुछ मिलने को पड़ जाता है पढ़ने को मिल जाता है कि कौन से साइंस है कौन से सिम्टम्स हैं जहां पर हमें अलर्ट होने की जरूरत है कि दिस इज गेटिंग डेंजरस नाउ आई नीड टू सी काउंसलिंग और मेडिकेशन इंशाल्लाह सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो यानी आपका क्रक्स ये है कि एक तो अला बिज़िक्रिल्लाह कुलूब के जिक्र अल्लाह के जिक्र में सुकून है तो सेल्फ़ केयर काफ़ी ज़्यादा उससे ही इन इंसान की हो जाती है हर कोई डाउन होता है लेकिन जाहिर है कि अक्सर ऐसे होता है कि हम नमाज़ में एक सजदा करते हैं अल्लाह ताला से बात करते हैं जैसे याकूब आल इस्लाम ने भी कहा था ना कि बेशक मैं अपनी शिकायत अल्लाह रब्बुल आलमीन से करता हूँ तो उससे दिल बहुत हल्का हो जाता है बिकॉज अल्लाह से अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकार्ड हमें मिलता है आ, दूसरा आपने ये कहा कि अगर कोई इशू आ रहा है तो उसको इग्नोर ना करें अंदर ना रखें वो डिस्कस करें उसकी उसके लिए हेल्प जो है वो लें काउंसलिंग लें टॉक्सिक लोग से दूर रहने की कोशिश करें जो चीज़ आपको डाउन कर रही है उसको ट्रैक आउट करें ट्रिगर्स को ट्रैक आउट करें तो आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त प्रैक्टिकल सोलूशन है क्योंकि स्पिरिचुअल सोल्यूशन भी आ गया और आपने जो है वो जाहिर है कि बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताया कि वी शुड सीक हेल्प अच्छा एक और इशू मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि Uh, बहुत सी सिस्टर्स ये सवाल करती हैं कि जब शादी हो जाती है तो वो ससुराल uh, में जाती हैं और अगर जॉइंट फैमिली है सेपरेट अकोमोडेशन है बट यू नो ऑल ऑफ देम आर लिविंग इन वन हाउस देर इज सेपरेट अकोमोडेशन बट स्टिल दे आर इन वन हाउस तो uh, वहाँ पर हाउ अ वूमेन इन आवर सोसाइटी कैन लीड हर ओन लाइफ विद फुल कॉन्फिडेंस एंड मेंटल सिक्योरिटी एंड हाउ शी कैन कैरी फॉरवर्ड यू नो हर सेल्फ वो अपने डिसीजन कैसे खुद ले सकती हैं क्योंकि शिकायत ये आती है कि हर चीज़ पर नज़र होती है इन लॉज की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है तो वट टू डू इन सच अ सिचुएशन किस तरह कॉन्फिडेंस से वो अपनी खुद की लाइफ जो है वो आ, जी सकती हैं अपने डिसीजन ले सकती हैं फैमिली लाइफ में राइट सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग रियली हेल्प्स इज द कम्युनिकेशन विद योर य The stronger hmm. the communication, the stronger uh, you have that urge to, you know, manage everything. सही. So communication ke andar cheez bahut important hai ki आपका husband भी आपको बताए कि what are the things जिस पे compromise करना बहुत मुश्किल है और सही. आप जो wife है वो भी बताए उसी फ्रीडम के साथ कि इन इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज करना मेरे लिए मुश्किल है सो आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कभी भी डोंट मेक अ पायल इन साइड ऑफ यू जब आप बनाते जाते हैं बनाते जाते हैं कि चले खैर है अब जाने देती हूँ अब नहीं कुछ कहती अब नहीं कुछ कहती तो वो अल्टीमेटली वो पूरा इकट्ठा एक होकर एकदम से एक्सप्लोड होता है एंड विच इज़ ऑबियसली डिस्ट्रक्टिव सम एक चीज़ तो ये दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारी शादी होती है ना तो हमारे अंदर एनर्जी बड़ी होती है वी आर न्यू टू दैट थिंग और बहुत एक uh, अपनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ हम चल रहे होते हैं बट आई वुड से कि दिस इज रियली क्रिटिकल दैट यू शुड ऑब्जर्व फर्स्ट द इन्वायरमेंट ऑफ योर न्यू हाउस एंड देन यू शुड एक्चुअली मॉडिफाई योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट अब मॉडिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जात को बदल दें मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ जैसे इफ आई एम गेटिंग मैरिड मेरे मेरे घर के अंदर दे इज दज नॉट अ लॉट ऑफ ट्रेंड ऑफ़ गिफ्ट्स के एक्सचेंज में लेकिन जब मैं उन्नीस सौ साल में जाती हूँ वहाँ गिफ्ट एक्सचेंज करने का बहुत ट्रेंड है तो पहले मैं ऑब्जर्व करूँगी कि हाँ यह ट्रेंड है वैन आई विल अडेप्ट अकॉर्डिंग टू माई कैपेसिटी राइट सो इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू ऑब्जर्व तीसरी चीज़ जो आपने कही कि uh, नज़र होती है और हर चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है और उसमें hmm. हम कंफर्टेबल फील नहीं करते आई ऑलवेज फील कि इसको डील करने की अप्रोच हमारी तो सी अगर डिफरेंट हो कि जब हम अपने घरों में होते हैं हमारे जो पेरेंट्स होते हैं क्या वो हमें नहीं देख रहे होते सही. वो हमें ऑब्जर्वेशन नहीं बता रहे होते वो हमें जहाँ क्रिटिसिज्म की ज़रूरत होती है वो वो नहीं बता रहे होते जहाँ पे प्यार की ज़रूरत होती है वो नहीं कर रहे होते सो इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि जहाँ पे आप आई आई हैं वहाँ पे भी

Uh, इस एनर्जी uh, में और इन इस सिचुएशन इस, इस में जो है ना आप बाउंड्रीज बेसिकली सेट करना भूल जाते हैं कुछ चीज़ों में <laughs> और अगेन वही होता है कि आप अपनी ज़ात से बढ़कर देते जाते हैं उस वक्त क्योंकि उस वक्त तो सब कुछ अच्छा लग रहा होता है आपको बट दिन एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरी बर्दाश्त में था ही नहीं ये क्यों हो रहा है मेरे साथ तो उस वक्त आपको फिर रियलाइजेशन होती है कि मुझे शुरू में बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए थी जो कि मैंने नहीं की तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है नॉट डेट कि आप जाते ही एक एटीट्यूड दिखाएं और कोई बदतमीजी शुरू कर दें लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो है ये मेरी कैपेसिटी में आती है तो ठीक है ये मैं अब पूरी जिंदगी कर सकती हूँ hmm. मुझे जब भी कहा जाएगा करने के लिए आई कैन डू इट विदाउट नो टू इट या मैं इसमें बुरा नहीं फील करूँगी तो ठीक है लेकिन जिस चीज़ पर आपको लगता है कि नहीं मेरी कैपेसिटी से बाहर है मैं एक दफा तो शायद कर लूंगी या ज्यादा से ज्यादा दूसरी दफा कर लूँगी तीसरी दफा इस चीज़ को बर्दाश्त करते हुए मेरे लिए नामुमकिन होगा hmm. तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहली या फिर एटलीस्ट सेकेंड टाइम तो आप अपनी इस बाउंड्री को सेट कर दें कि नहीं ये ये चीज़ें जो हैं ये मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं पे मैं जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक क्वेश्चन को डील किया एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हम बात करते हैं कि इस्लाम ने बहुत राइट्स दी औरत को और हम कवाम का एक कॉन्सेप्ट जो है वो शेयर करते हैं कि ज़ाहिर के मेल को फिगर हेड जो है वो बनाया कुरान ने इस्लाम ने और वो मेल बड़ा रिस्पॉन्सिबल मेल होना चाहिए वो मेल बड़ा लविंग होना चाहिए फॉरकिविंग होना चाहिए और मैनेजर होना चाहिए हर चीज़ को मैनेज करना चाहिए उस मेल को बट शिकायत यह आती कि ऐसा मेल कहाँ पर है और हमारे माशरे में अगर नज़र एक दौड़ाई जाए तो कवाम का मतलब ही गलत समझा गया है कि कवाम से मुराद ये ले ली गई है शायद मेल्स के हवाले से कि कवाम का मतलब है रोब जमाने वाला कवाम का मतलब है कि बस उसके आगे आप बोलो भी ना उससे डिसएग्री भी आप ना करो बस आप खामोशी के साथ उसके साथ चलो तो बहुत से सिस्टर ये क्वेश्चन कहती हैं कि हमें तो वो कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आ रहा वुमेन राइट्स का जिन वुमेन राइट्स की आप बात कर रही हैं और आप लोग बात करते हैं रिलीजस लोग बात करते हैं तो कवाम का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से इस चीज को भी मैनेज किया जाए इस इस पूरे माइंडसेट को मैनेज किया जाए जो हमारी सोसाइटी के बारे में अनफॉर्चुनेटली डेवलप हो गया लेट्स स्टार्ट विद यू ओके सो आई थिंक जो रिलीजन है जो हमारा दीन है इस्लाम इट्स रियली प्रोग्रेसिव अबाउट द राइट्स ऑफ वेमेन देर नो डाउट अबाउट इट इट वॉज द फर्स्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर जिसने के औरत को ड्यू राइट्स दिए थे सही. और राइट टू वोट राइट टू मैरी कैसे कब क्या एंड sure. so, मैनी अगर कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा तो फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हे दिन को बैश नहीं कर सकते इट्स द इंडिविजुअल एक्ट जो कि इसको बुरा अपियर करा रहा है इसमें दीन का बैश करने का कोई पॉइंट हमारे पास वेलिडिटी उसकी नहीं होती सेकेंडली sure. अब अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा नहीं कर रहा तो हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि वो इंडिविजुअल है और ये उसका एक्ट है आपने अब इसकी अप्रोच की तरफ जाना है कि हाउ टू डील विद दिस क्योंकि mm -hmm. अगर आप उसी रिमोट सिचुएशन में रहेंगी और आप यही करती रहेंगी कि इस इंसान ने ये नहीं किया ये नहीं किया ये नहीं किया मुझे ये नहीं मिला मुझे वो नहीं मिला फलां को ये मिल गया मुझे नहीं मिला दिस साइकिल विल नेवर एंड इट विल ओनली गेट टैंगल्ड जितना आप इस पर सोचती जाएंगी सो इट्स ऑलवेज गुड

आ, ये बच्चा यानी मेल की बात कर रहा हूँ ये थोड़ा गैर जिम्मेदार है या इसकी बिगड़ा हुआ इसकी आते है इसकी आतें बिगड़ी हुई हैं तो कहते हैं जी इसकी शादी कर दो तो ये ठीक हो जाएगा अब जब वो उस गैर जिम्मेदार शख्स की शादी होती है तो शायद कोई ठीक हो जाता हो जब जब्मेदारियाँ आती हैं लेकिन व्हाट इफ़ वो ठीक ना हुआ है तो फिर जिसके साथ शादी हुई है वो तो फिर उसकी तो बेचारी की ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो गई ना तो एक तो ये दूसरा ये कि जब मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं तो फिर वो वो औरत कहाँ जाए यानी कि घर वालों को बताएगी तो शायद वो इतना वेलकम ना करें अपने घर वाले दिल में रखेगी तो एक्सप्लोर कर जाएंगी शौहर को बताएंगी वो सुनता नहीं है तो इस केस में भी क्या किया जाए सबसे पहले तो एक इस चीज़ में मैं ऐड करना चाहूँगी जो कवाम की आपने बात की और ईमान ने बड़ी अच्छी बात यही की कि जब आ, आ, मसले मसायल आते हैं ख़वान के रिलेटेड अगर एक मुस्लिम सोसाइटी में तो हम ये समझते हैं कि शायद दीन ने कोई कमी कर दी है या दीन में ये चीज़ें मौजूद नहीं थी जबकि वो एक पर्सन इंडिविजुअल का अपना एक्ट होता है बेस्ड ऑन हिज ओन नॉलेज उसको mm -hmm. पता ही नहीं है तो जाहिर सी बात है वो चीज़ को उस तरह इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगा सेकेंडली मुझे जो अवाम का जो कॉन्सेप्ट है आई टेक इट एज अ गिफ्ट फॉर अमेन इस वजह से कि आप ये सोचिए कि अगर इस वक्त जो है मेरे पास कुछ पैसे हों तो वो कितना मुश्किल होगा मेरे लिए किसी और के ऊपर स्पेंड करना सबसे पहला ख्याल तो मेरे जहन में मेरे लिए आएगा ना कि मैं लिए अपने लिए चीज़ें लूँ अपनी शॉपिंग करूँ अपने ऊपर ज़्यादा स्पेंड करूँ hmm. बट अगर मुझे किसी और के ऊपर करना पड़ेगा खुशी से नहीं इन द सेंस कि एक होता है कि आपने कहा कि चलो मेरे पास पैसे मैं अपने फला फ्रेंड को क्योंकि उसने मुझे गिफ्ट दिया था मैं उसको गिफ्ट कर देता हूँ इस तरह से लेकिन नहीं मुझे पता चलता है कि नहीं मेरी जिम्मेदारी है ठीक है और इसमें से मैंने कि इतने पैसे निकालने ही निकालने और मैंने उसको देने ही देने अगर मैं नहीं दूंगी तो मुझे गुना होगा Hmm. तो ये मतलब मैं ठीक है खुशी भी होती है लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी जहां पर आ जाती है तो आपके अंदर एक थोड़ी सी तो आपको वो वाली खुशी और वो वाली रिलैक्सेशन फील नहीं होती है ना hmm. तो ये एक जिम्मेदारी डालना एक कवाम के ऊपर एक हस्बैंड के ऊपर कि ही हैव टू मेक श्योर कि वो हमें घर दे रहा है वो हमें नान नफका दे रहा है हमारी केयर कर रहा है तो मुझे लगता है कि ये तो एक औरत को जो है इसको एज ए गिफ्ट लेना चाहिए hmm. तो ये अल्लाह तला की तरफ से दीन इस्लाम की तरफ से एक औरत के लिए जो है कवाम का कॉन्सेप्ट एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट है हाँ दैट्स ये एक जो है बहुत बड़ा अलमिया है हमारे इस वक्त सोसाइटी का कि हमें मर्दों को तो छोड़िए औरतों को नहीं पता है कि हमारे राइट्स हैं क्या इस वक्त सही, सही. दीन इस्लाम में बिंगा मुस्लिम वूमेन हमारे राइट्स हैं क्या हम क्या किस चीज़ की डिमांड कर सकती हैं हमें किस चीज़ को बर्दाश्त करना है हमें किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना है तो बेसिक जो मसला चल रहा है ना चीज़ का ही चल रहा है कि नॉलेज नहीं है ठीक hmm. है नॉलेज भी नहीं है और उसके साथ साथ नॉलेज hmm. क्योंकि अगर आ भी जाती है इंसान को जैसे हम समटाइम्स हम कह देते हैं कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते तुम्हें तो पता नहीं कि नमाज फर्ज है मुसलमान को नहीं छोड़नी चाहिए जी. तो अगला इंसान यही कहता ना कि तुम अपनी फिक्र करो मेरी फिक्र क्यों करो तो ऐसे इंसान जो जवाब देगा तो डेफिनेटली उसके पास इल्म की तो कमी है ही थी उसके साथ साथ क्या था उसके अंदर ईमान की भी कहीं कही ना कहीं कमी मौजूद है ये। क्योंकि उसका कनेक्शन नहीं बना वाल सुबह तला की वो मोहब्बत अल्लाह सुबहाना का वो खौफ वो चीज़ें उसके दिल में मौजूद नहीं है जिसकी वजह से वो इस इसम के होते हुए भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो मेन सबसे बड़ा मसला तो यही है अच्छा यहीं वस... पे मैं सॉरी एक और बात ऐड कर सॉरी टू इंटरप्ट यू लेकिन वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चलें हमने मान लिया एक अवाम का बड़ा जबरदस्त है लेकिन जो वो वो साइड है जो ये शिकायत करती हैं जाहिर है, है वोमेन की शिकायत है और हो सकता है वैलिड हो कि वो वो कवाम है कहाँ वो नज़र नहीं आ रहा मर्दों में तो आप काउंसिलिंग्स चुके करती हैं माशा मैरिड कपल्स को भी शायद आप करती हैं या मैरिड वुमेन को करती हैं तो डू यू थिंक सिचुएशन इतनी ख़राब है पाकिस्तान में कि वो मर्द है ही नहीं या देर इज़ सम होप कि नहीं ऐसे मर्द मौजूद हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं Uh, क्या कोई पॉजिटिविटी है हमारी जिन जो अनमेरिड सिस्टर्स हैं उनके लिए कि यस देर आर सच मैन जो कि इस कॉन्सेप्ट अभी तक हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो है वो जब तक इस्लाम बाकी है तो ऐसे लोग भी बाकी रहेंगे जो अल्लाह ताला की मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में रखते हैं बिल्कुल सही। और ऐसे जो भी इंसान होंगे वो बेशक अल्लाह ताला के अहकाम को चाहे वो बीवी के लिए हैं चाहे वो पूरी दुनिया के लिए हैं उनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे हाँ इंसान से जो है गलतियाँ होती हैं ना चाहते हुए हो सकता है वो किसी की हक़ तलफी कर दे जब अल्लाह ताला के हकूक़ में हम उनकी अल्लाह ताला की हक़ तलफी कर जाते हैं गुनाह कर जाते हैं बहुत सी चीज़ें कर जाते हैं तो इंसान तो फिर उनके साथ तो करते हुए हमारा जो है वोली कैफियत भी नहीं होती तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसे लोग मौजूद हैं मैं इस चीज़ को इस तरह भी लेती हूँ इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ये भी देना चाहूँगी कि मेरे हस्बेंड ख़ुद भी जो है आ, ऐसा नहीं है कि उनका इल्म नहीं था अलहमद पहले भी उनके पास नॉलेज थी बट वही बात है कि उनके आ, आ, अमल में वो चीज़ उस वक्त इतनी मौजूद नहीं थी say. लेकिन जब शादी हुई हम दोनों ने जब दीन की तरफ ज्यादा रुझान बढ़ा और mm. दीन को और अच्छी तरह से पढ़ना शुरू हुआ तो mm. वो ही वॉज सॉट ऑफ अ पर्सन जो उठ के ग्लास भी नहीं पकड़ते थे पानी का बिकॉज उनका जो भी घर का माहौल था तो आई फाउंड हिम वॉशिंग पॉट्स मैंने उनको बर्तन धोते हुए एक दो दफ़ा देखा किचन में नाव सरप्राइज मैंने कहा यू डूइंग तो उन्होंने कहा कि मैं नबी सरसरों की सुनत को ताज़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं है लोग मौजूद अहमद लाला बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हमारे आस पास मौजूद हैं ख़वान भी मौजूद हैं और मर्द हजरात भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ ये जो मर्द हैं ये हमारे अपने घर में मौजूद हैं हमारे बेटे की शक्ल में हमारे भाई की शक्ल में सही। अगर हम इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम ये मर्द अब आगे बना सकते हैं अपने आने वाली नस्लों को हम ये मर्द दे सकते हैं कि जिनके पास जो इस तरह के कवाम बने इन इन इनशा बिल्कुल ठीक तो आपने वो एक और पॉइंट ऐड करना था कि जो जो है वो अगर इस तरह के वो कर रहे हैं देखिए वही बात आ जाती है कि इस्लाम ने आ जो है आपको कहीं भी अल्लाह ये नहीं कहा है कि आप इस तरह के मज़लूम बन जाए कि बिल्कुल आप अपने आप को फितने में डाल लें मेरे पास जब भी काउंसलिंग के केसेस आते हैं ना तो मैं उनको यही जब वो बहुत ज़्यादा बात यहाँ से शुरू होती है कि वो अपना मसला बताते हैं और उनको जाहिर सी बात अपना मसला बहुत बड़ा लग रहा होता है उस वक्त कि शायद उनसे बड़ा मसला पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं होगा तो मैं उनको सबसे पहली एडवाइस करती हूं कि नहीं आप इससे जरा बाहर निकल कर देखिए हो सकता है आपको अपना मसला बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन आई मैं आपको बताती हूं कि मेरे पास इससे भी बड़े मसले मौजूद हैं तो पहली बात तो ये होगी उसको देखना उसके बाद में मैं उनको एडवाइस जरूर करती हूं कि ठीक है सारी चीजों को देखने के बाद भी अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं अब जो है ना ये बात जो है मेरे जो है ईमान पर आ गई है यानी कि इसके बाद जो है ना अब मैं फितने में ही पढ़ूंगी अब मैं या तो कुफर की तरफ चली जाऊंगी अल्लाह सुबहाना तौला को सवाल करने लगूंगी कि मैं क्यों मेरे साथ जी, क्यों जी। मैं मैंने ऐसा क्या किया था और वगैरह वगैरह या फिर मैं किसी और मजीद फितने में पड़ जाऊंगी किसी और हराम चीज़ में पड़ जाऊंगी तो ऐसी सिचुएशन में कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप इस पॉइंट पर आ गई हैं तो फिर इट इज़ बेटर कि आप एक स्टेप लें So, सबसे पहले आप अपनी फैमिली के पास जाइए फैमिली वाले अगर आपको लगता है कि इस काबिल हैं कि वो इन्वॉल्व होंगे इस चीज़ के अंदर आप लोगों के बीच में सुलह कराएंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जैसे ईमान ने भी कहा था कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी इन एवरी रिलेशनशिप आई फील तो अगर मैरिज की भी बात की जाए तो एक तो पहली बात है कि कम्युनिकेशन शुरू से ही कीजिए यह भी नहीं है कि दस साल के बाद जाकर आप एक दिन बैठते हैं और फिर एक पटारी खोलते हैं कि आपको पता है दो में आपने मेरे साथ ये किया था ठीक है तो वो दो में ही आपको उनको बता देना चाहिए था कि आज जो आपने बात की मुझे पसंद नहीं आई है दोबारा नहीं होनी चाहिए तो ये कम्युनिकेशन आपकी चल, चल चलती रहनी चाहिए उसके बाद आप फैमिली को इन्वॉल्व करें अगर फ़ैमिली से भी आपको लगता है कि नहीं जो है वो मसला हल हो पा रहा है तो इस्लाम ने आपको बाकी राइट्स भी दिए हैं आप जो है किसी इस्लामिक स्कॉलर के पास जा सकते हैं या फिर आप अल्टीमेटली फिर लॉ के पास जा सकते हैं उनसे हेल्प सीख कर सकते हैं कि मुझे मेरे राइट्स इस तरह के जो इस्लाम ने मुझे दिए हैं मुझे नहीं मिल रहे हैं तो इसका क्या सोलूशन है तो अगेन वही वाली बात है कि आपने ठीक है सबर बेशक उसका हम जितना सबर इस दुनिया में कर लेंगे आखिरत में हमने यही जो है ख्वाहिश करनी है क़यामत के दिन मरने के बाद मतलब हमने यही ख्वाहिश करनी कि काश मैंने सबर ज्यादा कर लिया होता तो मेरे पास और अजर मौजूद होता लेकिन अगेन आपने इस लाइन को जरूर अपने जहन में रखना है कि आप उस लाइन पर जहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपको लगे कि इसके बाद अगर मैंने मजीद सबर किया तो मेरी आखिरत खतरे में पड़ रही है तो वहाँ पर बेशक आप एक अच्छा डिसीजन लीजिए लेकिन एक सोच समझ कर डिसीजन लीजिए एक जज्बाती डिसीजन मत लीजिए बिल्कुल ठीक जजाक इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मेरे में आ रहा है और ये मैं आप ही से करूँगा उसकी रीज़न ये कि चूँकि आप मीडिया में भी रहीं पास्ट में तो ये मीडिया की ही खातानी आज ये वॉइस रेज कर रही हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी में से तो बड़ा कुछ एक्सपेक्टेड है कि आप हया वाली भी रहो आप वैल्यूज़ वाली भी रहो आप अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करके भी चलो उसके लिए टाइमिंग्स भी डिफाइंड है औरत के लिए जी उसके लिए लिमिट्स भी डिफाइंड है लेकिन मेल के लिए कुछ भी नहीं मेल को खुला छोड़ा हुआ है हमारी सोसाइटी ने वो रात एक बजे आए बारह बजे आए जब मर्जी आए वो दोस्तों के साथ फिरे जो मर्जी करता फिरे उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो ये ताज़ा नहीं है खुला तजाद हमारी सोसाइटी में देखिए ये सवाल तो आपको उन्हीं से किया जाना कर, करना चाहिए ना जिन्होंने ये सोसाइटी इस वक्त बनाई है जो सोसाइटी को आगे लेकर चल रहे हैं सोसाइटी के रूल्स बना रहे हैं दूसरी आहा, बात ऐसी खुवान को मैं ये कहना चाहूंगी मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि ठीक है आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है आपसे उम्मीदें रखी जा रही हैं आप उन पर पूरा क्यों उतर है <laughs> आपको कौन मजबूर कर रहा है बात वही आ जाती है कि जब अल्लाह का हुक्म आता है जब दीन का हुक्म आता है तो वहां पर अगर हम उस उस हुक्म की तामील करना चाहते हैं तो वहां पर हमारे लिए मुश्किल बना भी दिया जाता है और हमें सबसे पहले खुद बहुत मुश्किल लग रहा होता है तो हमें लग रहा होता है कि दिस इज इम्पॉसिबल लेकिन दूसरी तरफ जब अल्लाह तला के बनाए हुए इंसान हमारे लिए कोई रूल्स बना रहे होते हैं हमसे कोई एक्सपेक्टेशन रख रहे होते हैं उनको हम फॉलो करते जा रहे होते हैं करते जा रहे होते हैं जब रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता तो फिर हम इस तरह के सवाल करते हैं कि जी हमसे तो सब कुछ जो है उम्मीद लगाई जा रही है मर्द से क्यों नहीं उम्मीद लगाई जा रही जबकि अल्लाह ताला के साथ जब आप इस तरह का मामला करेंगे जब अल्लाह ताला की उम्मीदों पर आप पूरा उतरेंगे तो ये हमारा ईमान है कि वहां से तो हमें रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं दुनिया में भी मिलने और आखिरत में भी मिलने तो सोसाइटी की जहां तक बात है कि वहाँ पर अगर औरतों से उम्मीदें लगाई जा रही तो सबसे पहली बात है कि आप उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरी मत दूसरी बात यह है कि फिर ये सवाल आप की भी करिए भी उन्हीं से कि जो लोग इस आ, सोसाइटी के रूल सेट कर रहे हैं और जो, जो सोसाइटी को लेकर चल रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि औरतों के लिए जो है वो एक और मैार रखा जा रहा है और मर्दों के लिए एक और मैार रखा जा रहा है बिल्कुल ठीक और देखिये ना जैसे आपने एक बात की जस्ट फॉलो अल्लाह सुना और आपके साथ अगर कोई चले जाती हो गई कोई टेस्ट ट्रायल आ गया है, तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है सेल्फ प्रोग्रेशन की कि भाई आप ऐसी फैमिली ना बनाएं आप ऐसा घराना ना बनाएं आप ऐसा प्रेशर का एक वो इन्वायरमेंट अपने घर में ना रखें आप बेटा बेटी दोनों को इक्वली ट्रीट करें दोनों को इक्वल अपॉरचुनिटीज दें आप बेटी को भी फील ना कराएं कि उसको डिप्राइव किया जा रहा है ना ही बेटे को फील कराएं ये सारा तो फैमिली सेटअप से आता है सारा तो फैमिली वैल्यूज से आता है तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये क्वेश्चन तो एक्चुअली हमें उन्हीं से पूछना चाहिए कि ऐसी सोसाइटी बन कैसे गई और चलो बन गई है तो इसको चेंज करना है मिलके इंशाल्लाह चेंज करना है और वो चेंज इस्लाम के थ्रू ही आ सकती है जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेंज लाए थे तो कुरान के थ्रू लाए थे अरब सोसाइटी को चेंज करना कोई छोटी बात नहीं है आ, शो का टाइम भी जरा खत्म हो रहा है हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो बस लास्ट में मैं आप दोनों के फाइनल वर्ड्स कुछ फाइनल पीस ऑफ एडवाइसिस टू आर यंग गर्ल्स जो शो को देख रही हैं और ऐसी ख़ुतानी जिनकी कुछ शिकायतें भी हैं जाहिर है कि कुछ करवाहट भी है बिकॉज ऑफ कुछ हादसा हर इंसान के साथ कुछ हादसा हो जाते हैं तो उनकी बहुत नेगेटिव परसपशनस भी बनी हुई हैं कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी हैं विच आर क्वाइट नेचुरल तो सम लास्ट फ्यू वर्ड्स टू एवरी वन हु इज़ वॉचिंग द शो लेट स्टार्ट विद यू So, inshallah, to all the sisters who are watching us today. Uh, number one is that uh, life itself is generated in struggle, mm. it, it has to be tough. And no matter what you do and in what belief system you are doing it, इट हैज़ टू बी टफ एनी वे सो इस चीज़ के अंदर इंसान को हमेशा ये बात सोचनी चाहिए कि जब टफ तो है ही है पर आई हैव टू कीप माई सेल्फ़ इंटैक्ट इट्स लाइक ओशन जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रीकुन्सीज़ की वेव्स होती हैं कभी छोटी वेव आती है कभी बड़ी वेव आती है ज़्यादा मुश्किल आ जाती है कम मुश्किल आ जाती है बट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यूअर swimming mm. just keep swimming just don't give up and the second thing i would say is that being a girl being a female in in its essence is so pure and so beautiful that i think we should love ourselves we should be the first person who love us mm. मुझे और आपको अपने आप से सबसे पहले प्यार करना चाहिए और अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर वी शुड बी प्राउड एंड वी शुड ऑलवेज ऑलवेज़ वर्क टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन एंड इन दिस आई वुड लाइक टू से इट्स नेवर टू लेट बिल्कुल यू कैन ऑलवेज स्टार्ट ऑल टुगेदर अगेन टुडे टिल डेट जो भी कुछ हो चुका जस्ट फॉरगेट अबाउट इट एंड स्टार्ट योर न्यू जर्नी इट्स अ न्यू डे

Uh, मैं इस हवाले से कुछ एक दो बातें कहना चाहूँगी कि ख़ास तौर पर जो ये एक नई चीज़ चल पड़ी है ये मर्द औरत का कंपैरिजन और हुँ, हुँ, औरत कमज़ोर और मर्द मजबूत ये सारी चीज़ें और फिर मर्द का क्या जस्टिफाइड है औरत पर म करना और, और औरत का मज़लूम होना ही यही क्या दुरुस्त है ये तमाम चीज़ें जो भी है ना इन सब की रीज़न यही है हमारे पास नॉलेज का ना होना प्रॉपर नॉलेज का ना होना शेख अकरम नदवी ने यह कहा था कि अगर मर्दों को ये पता चल जाए ना कि औरतों के क्या हकूक़ है इस्लाम में तो वो हर मर्द भी ये चाहेगा कि वो भी औरत ही पैदा होता सही। ठीक है और यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को चेंज करने की कोशिश की जा रही है हमारा ब्रेन वॉश यही करने की कोशिश की जा रही है कि शायद मर्द स्ट्रांग है मर्द ज़्यादा इस्लाम में भी हालाँकि ऐसा है नहीं तो हमें अपने आप को एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है ट्रस्ट में जो एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं या कॉन्फिडेंस की हम बात करते हैं लाइफ में फोकस्ड होने की या किसी भी चीज़ में जिस चीज़ के बारे में भी हम बात करते हैं जो पॉजिटिव पॉइंट्स हम देखते हैं ये सारी चीज़ें हमारे एटीट्यूड में हमारे लाइफ uh, में हमारे माइंड में तभी आएंगी जब हम अपने आप को एजुकेट करेंगे विद द ऑथेंटिक नॉलेज ऑफ इस्लाम तो क़ुरान को समझ पढ़िए हदीस को समझ पढ़िए और उसके साथ साथ फिर इन राइट्स को इन तमाम चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे दैन यू विल रियलाइज़ इन कि अल्लाह सुबहाना ने मर्द को भी बनाया है और अल्लाह सुबहाना तैाली ने औरत को भी बनाया है तो अल्लाह सुबहाना तै जो है वो ालम भी नहीं है और वो ज़्यादी भी नहीं करते हैं तो ये चीज़ आपको तभी रियलाइज़ हो सकेगी तभी आप समझ सकेंगे जब आप दीन को ठीक से समझेंगे प्लस एक और चीज़ बींग अ वुमेन मुझे लगता है कि अल्लाह ताली ने हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी और बहुत ब्लेस्ड रिस्पॉन्सबिलिटी रखी है कि हम अपने साथ साथ आने वाली नस्लों को ट्रेन करते हैं ये हमारे पास एक अपरचुनिटी है तो अगर हम ख़ुद इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहेंगे और इन्हीं चीज़ों के अंदर क्वाटअप रहेंगे कि मेरे बारे में क्या है औरतों के बारे में क्या है सोसाइटी में क्या है अगर इनके आंसर्स ढूंढते ढूंढते हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी तो हमारी आने वाली नस्लों को भी ये जवाब नहीं मिल सकेंगे नहीं। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि हम ये आंसर्स ढूँढें कुरान और हदीस से और ये आंसर्स अपने बच्चों को बताएं उनको ट्रेन करें ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो ऐसी कन्फ्यूज जनरेशन ना हो बल्कि उनके पास ही आंसर्स पहले से मौजूद खैर वेरी पॉजिटिव रिप्लाई वेरी मोटिवेशनल सो टू वाइंड इट ऑल अब देखें जैसे कि दोनों जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने बात की कि ये कोई मुकाबलाबाजी नहीं है इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन बिटवीन मेल एंड फीमेल जिस तरह से प्रजेंट किया जा रहा है और फिर जिस तरह से नेगेटिविटीज़ फैलाई जा रही हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है मेल और फीमेल्स के हवाले से Uh, जैसे कि मैंने थ्री कैटेगरीज़ आपको बताई कि इस वक्त तीन माइंडसेट्स पाए जाते हैं यहाँ पर uh, हमारी जो सिस्टर्स हैं अनफॉर्चुनेटली उनमें तीन माइंडसेट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं इनसिक्योरिटी है अप्रीहेंशनस हैं फिर एक माइंडसेट है कि शादी करनी है तो बस अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे करनी है एक माइंडसेट है कि शादी करने की ज़रूरत भी क्या है तो ये इस तरह के बहुत से थाट्स और माइंड फैलते जा रहे हैं हमने पॉजिटिविटी का मैसेज देना और हमारा मैसेज पॉजिटिविटी का ही है कि नॉलेज हासिल करें आज के फितने के दौर में इंफॉर्मेशन बहुत इंफॉर्मेशन है और बहुत ट्रेंड्स चल रहे हैं बड़ा कुछ चल रहा है प्लीज़ डोंट फॉलो इज़म्स एंड स्किज़म्स एंड ट्रेंड्स फॉलो द दीन ऑफ अल्लाह नॉलेज हासिल करें और ख़ुद कोशिश करें नॉलेज हासिल करने की लोगों की बातें सिर्फ के इंप्रेस ना हो गो टू सोर्स कुरान एंड सुन्ना की तरफ जाएं और अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करें अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को सॉल्व करें रियलाइज़ हु यू आर सेल्फ़ वर्थ सेल्फ केयर करें uh, इस चीज़ से निकलें ट्रेंड फॉलोइंग से निकलें ये हमारा मैसेज है आई होप दिस शो वाज बेनिफिशियल फॉर यू सो इफ इट वाज लीव योर कमेंट्स बिलो एंड आल्सो इफ यू सम अदर क्वेश्चन कीप राइटिंग डेफिनेटली आई एल बी एड्रेसिंग इन फ्यूचर पॉडकास्ट एज वेल विद दिस Uh, मैं इजाज़त चाहता हूँ जजाक लाख खैर और मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ अपने दोनों गेस्ट का मे अला ब्लेस दैम मे लाला स्फाना वताल फिल देर लाइफ विद बड़ा एंड इंक्रीज दैम इन नॉलेज एंड अमल अलकुम वरह वक्